हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमला हैप्पी गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसी गर्मी के मौसम में भी हम कटिंग्स को कैसे आसानी से लगा सकते हैं। अब मई का पहला हफ्ता चल रहा है और ऐसी गर्मी में भी हम कटिंग्स को कैसे लगाएं कि हमारे जो कटिंग्स ना मरे। इस गर्मी के मौसम में हम ये गुलाबी कनेर, पीला कनेर, गुड़हल, गुलाब, फाइकस की कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप दोस्तों बिगिनर हो और आपको कटिंग लगानी हो तो आप उस कटिंग को क्या टेक्निक अपनाएं कि आपकी कटिंग ना मरे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जौन सी भी कटिंग हमने लगानी हो उसके कटिंग्स हम ले लेंगे। देखो दोस्तों, बारिश के मौसम में तो आप कैसी भी कटिंग लगाए वो भी ग्रो हो जाती है। जिस प्रकार ये कनेर है, अगर बारिश का मौसम हो तो हम इसके जो नए नए जो पब सूट्स निकले हुए हैं इनको भी अगर हम काट कर लगा दें तो इनमें से भी नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन गर्मी बहुत बढ़ गई है और ऐसे में अगर हमें इनको ग्रो करना है तो हम उसके लिए इन कटिंग्स को लेकर इनको 10-15 दिन के लिए पानी में रख देंगे। तो दोस्तों, ये जैसे मेरी कुछ कटिंग्स हैं, इनको हम पानी में रख देंगे। देखो ये मैच्योर कटिंग है कनेर की। अगर हमें इस मौसम में कटिंग ग्रो करनी हो तो हमें मैच्योर कटिंग लेंगे, क्योंकि ये पानी में कई दिन रखी रहेंगी तो इसमें से जड़ें निकल जाएंगी। लेकिन अगर बारिश का मौसम हो तो हम इस तरह की कटिंग को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गर्मी में ये मुड़ जाएगी और इसमें अच्छी तरह से ये ग्रो नहीं हो पाती, तो हमें मैच्योर कटिंग ही लेनी चाहिए जो इसका हार्डी पार्ट हो। तो देखो ये मेरी कुछ कटिंग्स है, जैसे गुड़हल की, फाइकस, कड़ी पत्ता, कनेर, पीले वाले कनेर को हम बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन और जल्दी हमें ग्रो करना हो तो हमें उसकी कटिंग्स लगानी चाहिए। तो दोस्तों, इन कटिंग्स को हम पानी में रखकर किसी छाया वाले स्थान पर हम इसको 15 दिन के लिए रख देंगे और 15 दिन के बाद इनमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले भी मैंने कुछ कटिंग्स पानी में लगाई थी जो मैं लगा चुकी हूं और अपने दोस्तों को दे चुकी हूं, जिसकी मैं अपडेट दिखाती हूं। ये 15 दिन पहली कटिंग्स है, ये लाल कनेर है और इसमें से देखो कितनी अच्छी जड़ें निकल गई हैं। अब हम इसको जहाँ पर भी हमें ग्रो करना हो वहाँ पर हम इसको लगा देंगे और ये हमारी जो कटिंग है इसमें अब नए नए सूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। जो मेरी दूसरी कटिंग्स थी उनमें से सूट निकल चुके थे और जिसमें से मैंने एक दो कटिंग्स यहाँ पर लगाई हुई भी है, इनमें लगाए रखे सूट्स निकल चुके थे तो मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी गर्मी में अगर आपको लगता है कि मेरे को इस पेड़ की कटिंग लगानी चाहिए तो आप उसको उसका रिजल्ट आपको 95% मिले तो आप उन कटिंग्स को पानी में पहले ग्रो करें और फिर उसके बाद गमले में या सोल में लगाए। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार नई नई कटिंग्स लगा सकते हो, जैसे कि गुड़हल हुआ आपका, कनेर, फाइकस, नीम पत, ये मीठा नीम, मेहंदी, मोगरा, ये सुख चैन का जो है ये पौधा, इसको भी हम कटिंग से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप भी गर्मी में कटिंग लगाइए, इसी प्रकार
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।